दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं परदेसी फैमिली बाजार, कार्तिकेय एंटरप्राइजेस। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्वांचल के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ और पूर्व एमएलसी डॉक्टर वाईडी सिंह का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से हुआ देवासान। अंतिम दर्शन के लिए लगा रहा लोगों का तांता। कमिश्नर की अध्यक्षता में आयोजित हुई कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक, जिले के सारे आला अधिकारी रहे मौजूद। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक, दिए गए आवश्यक निर्देश। गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुआ 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, चिल्लाने पर दबाया गला, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसएसपी ने किया मामले का खुलासा। दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए आयोजित की गई कार्यशाला, स्वावलंबी बनाने पर की गई चर्चा। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से किया 5 लोगों ने दुष्कर्म, 4 आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसएसपी ने कहा खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। नकली मोबाइल एसेसरी सामान के साथ 7 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में सामान हुआ बरामद। शुक्रवार की शाम फेसबुक पर कमेंट ने किया बवाल, आपस में हुई मारपीट, पुलिस ने घायल को कराया अस्पताल में भर्ती, एसएसपी ने दी जानकारी। पीपीगंज के लाल ने जे एडवांस ऑल इंडिया में 394वां रैंक लाकर किया इलाके का नाम रोशन, एसडीएम ने भी की सराहना। बेलीपार थाने में आयोजित किया गया थाना दिवस, फरियादियों की सुनी गई फरियादें। और गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ साप्ताहिक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, किया जाएगा योग के विविध आयामों का अभ्यास। पूर्व एमएलसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वाईडी सिंह का शनिवार भोर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। डॉक्टर सिंह के निधन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके समर्थकों, शुभचिंतकों के बीच शोक की लहर है। बेहद मिलनसार और धुन के पक्के डॉक्टर वाईडी सिंह गरीबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। भाजपा से जुड़े होने के अलावा वह गोरखपीठ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों में से थे। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार भोर में उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर वाईडी सिंह की मौत की खबर पूरे गोरखपुर में फैल गई और उसके बाद लोगों का उनके घर पर जमावड़ा लग गया, जो अपने डॉक्टर, अपने नेता और अपने रहनुमा के अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब दिखे। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के मकसद से मंडली स्तरीय बैठक का आयोजन कमिश्नर सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, आईजी जय नारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित अन्य जिलों के भी आला हकीम मौजूद रहे। इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए और सभी जिम्मेदार अधिकारियों से इस बारे में कोई भी लापरवाही न बरतने के लिए कहा गया। संख्या जो है गोरखपुर में भी बढ़ी है और जो है टोटल अगर इसकी बात, तो इसमें देवरिया में पिछले साल की तुलना में 250 से 314
की संख्या हुई है और एज ए होल जो है मंडल की संख्या जो है आई पी सी केस जो है कम हुई है। विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन मंडलायुक्त सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित अन्य जिलों के भी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अब तक गोरखपुर मंडल में विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई और उसे तेज करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। और देखिए कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट एवरेज है, सपोज आपने डिस्ट्रिक्ट में 50% अचीव किया होगा, कई आशा एएनएम ऐसी होगी जिन्होंने 40% गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के गांव में अचानक उस समय सनसनी फैल गई जब एक 7 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म का मामला और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या करने की घटना की खबर फैल गई। इस घटना में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू राय को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्र 57 साल बताई जा रही है। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को एक पत्रकार वार्ता के दौरान SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने दी। किसी विनोद राय उर्फ पप्पू राय ने अपहरण कर लिया है, तो इस सूचना पर तुरंत पुलिस हरकत में आई और परिजनों के साथ तलाशना शुरू किया और पता चला कि एक पप्पू राय नामक आदमी है जो उसे मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया है पूरी नियत से। तो पप्पू राय को उसको ढूंढ करके पकड़ा गया और उसको फिर पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद लगभग आधी रात के बाद उसने कबूल लिया कि उसने उसके साथ गलत काम किया है और कहीं पर उसको जब शोर मचाया तो उसने उसका गला दबा करके हत्या कर दी है और लाश को कहीं फेंक दिया है, जहाँ पर उसने अपना कुकर्म किया वहीं पर डाल दिया है। इस सूचना पर तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और हमने फिर उसको रिकवर भी किया। तो एक तरह से मात्र 2-3 घंटे के अंदर ही, जैसे ही हमें घटना की सूचना मिली, हमें मुलजिम भी हमने रिकवर किया और जो पीड़िता है उसकी डेड बॉडी को भी हमने रिकवर किया और केस पूरी तरह से अनावरण है। अभी तक की जो प्राथमिक जाँच है, जो बात सामने आई है, उसकी निशानदेही पर ही हमें डेड बॉडी मिली है जो पीड़ित जो आरोपी है, क्योंकि उसी ने ही निशानदेही कराई कि ऐसे ही वहाँ पर हुआ है और वहाँ पर किया है। तो कुल मिला के केस पूरी तरह से लगभग खुला है और हम उसी समय रातों रात FSL बुला करके एविडेंस कलेक्शन करके हम इसमें कठोर विधि की कार्रवाई करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इसमें कठोर से कठोर सजा इसको दिलवाएंगे। दिव्यांगों के पुनर्वास के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस में स्थित एनेक्सी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कई दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं ने प्रतिभाग किया और साथ में दिव्यांगजन भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में विकलांगों के पुनर्वास पर चर्चा की गई और साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया कि किस तरह से उन्हें रोजगारपरक बनाया जा सके। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी मीनू सिंह ने दिव्यांगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, जहाँ ज्यादा पॉवर्टी है वही ज्यादा डिसेबिलिटी। क्यों? इस लाइन को देख के आप हमें बताइए कोई भी कि व्हाई, व्हाट इज द कनेक्शन डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का बीच में? सर आप बताइए इस लाइन को देख के कनेक्शन क्या है? पुअर न्यूट्रिशन, फिर गोरखपुर के गघा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले एक गांव में शौच के लिए बाहर गई युवती से 5 लोगों ने अगवा कर बगीचे में ले जाकर गैंगरेप जैसी अमानवीय घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने दी। जी, गगा में कल एक मामला आया है, उसमें भी हमने FIR दर्ज कर ली है। एक नामजद आरोपी था उसमें और बाकी 3-4 अन्य नामजद नहीं थे, जो अज्ञात थे।
और उनको तुरंत ही हमने 3-4 घंटे के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया और रात होते होते हमने 5 में से 4 मुलजिम पकड़ लिए उसमें, और उस घटना का भी पूरी तरह से अनावरण हो गया है और पुलिस उसमें जल्दी ही उसमें भी कठोर कार्रवाई करते हुए चार्जशीट लगा करके, और हम कोशिश करेंगे कि हम इन केसेस को फास्ट ट्रैक में डाल करके जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को कानून के दायरे में ला करके और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी एडवांस लैप्रोस्कोपी एंडोस्कोपी गैस्ट्रो सर्जरी स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर डॉक्टर शिवशंकर शाही सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं जैसे पित्त की थैली, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, रसौली। ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन, पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी, आंत का फंसना, आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन, ब्रेस्ट थायराइड, हार्निया, बवासीर, हाइड्रोसील का इलाज, ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, निकट पूर्वांचल बैंक, बुद्ध विहार कॉमर्शियल, तारामंडल, पुलिस चौकी के पीछे, गोरखपुर। केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9939359081। कार्तिकेय एंटरप्राइजेस जो बनाते हैं घर को जन्नत, पूर्वांचल का एकमात्र सोमानी का एक्सक्लूसिव शोरूम जहां पर है कजारिया, एजीएल, ग्रेनाइट। हमारी विशेषताएं: सभी प्रकार के वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी के सभी सामान एक ही छत के नीचे। हमारे पास है भारत के सबसे विशाल आकार के टाइल्स। तो खरीदारी के लिए संपर्क करें कार्तिकेय एंटरप्राइजेस, भगत चौराहा, गोरखपुर। हमारी सहयोगी प्रतिष्ठान आदित्य एंटरप्राइजेस, झांसी कटरा, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9839535019। हमारी ब्रांच महाराजगंज में भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में नकली मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचने वालों को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 7 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उनके दुकानों से भारी मात्रा में नकली मोबाइल के सामान बरामद हुए। देखते हैं
तीन महीने में कम से कम ठीक है उसको ले इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कोतवाली क्षेत्र में मियां बाजार स्थित रेती रोड पर वहां काफ़ी दुकानों में सूचना मिली कि फर्जी क्या नकली एयरफोन नकली यूएसबी अडेप्टर वहां पर बिक्री कर रहे हैं। एसएसपी महोदय को सूचना प्राप्त हुई सर के निर्देशानुसार क्राइम ब्रांच की टीम और ये थाना की टीम इसमें लगी और कुल 100 एयरफोन की बरामदगी हुई है। सातवें दुकान से 100 एयरफोन की बरामदगी हुई, 44 अडेप्टर की बरामदगी हुई नकली अडेप्टर और 5 यूएसबी का ये बरामदगी हुई है। मामला यही है। शुक्रवार की शाम 7 बजे गोरखनाथ थाना क्षेत्र की नूरी मस्जिद के पास दो व्यक्तियों ने फेसबुक कमेंट को लेकर आपस में मारपीट की जिसमें टीपू खान द्वारा फायरिंग की सूचना दी गई और आरोपित व्यक्ति आजाद अहमद द्वारा थाने को भी सूचना दी गई। फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार कर चोटिल हालत में मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पीड़ित द्वारा एक पिस्टल मौके पर दिया गया। मौके पर फायरिंग की सूचना संदिग्ध है जिसकी जांच की जा रही है। जिसके बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, वहीं आरोपित व्यक्ति जो आजाद अहमद है उसने भी थाने में सूचना दी। फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार करके चोटिल कंडीशन में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं पर ही एक पीड़ित पक्ष द्वारा भी एक पिस्टल भी मौके पर दिया गया। प्रथम दृष्टया ये फायरिंग की सूचना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। दोनों पक्षों को बात करके मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बेलीपार थाना में शनिवार को आयोजित किया गया थाना दिवस। इस थाना दिवस कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में पहुंचे पीड़ित फरियादी की समस्याएं सुनी गई। राजस्व से संबंधित ज्यादातर आए मामले थाना प्रभारी बेलीपार संतोष कुमार सिंह और कानूनगों ने सुनी। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ये पहला थाना दिवस आयोजित किया गया। पीपीगंज के होनहार विनय कुमार अग्रहरी ने इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित परीक्षा जेई एडवांस 2019 में ऑल इंडिया 394 रैंक लाकर जनपद और इलाके का नाम रोशन किया है। पीपीगंज थाने पर थाना दिवस का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी मनोज तिवारी व थाना अध्यक्ष बीबी राजभर द्वारा होनहार को सम्मानित किया गया। वहीं होनहार लड़के ने कहा कि ये मेरी सफलता मेरे माँ बाप गुरुजन व मित्रों शुभचिंतकों को जाती है। मैंने जो है जेई एडवांस में 394 रैंक लाया हूँ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 23 रैंक लाया हूँ और जेई मेंस में इससे पहले मैंने 440 रैंक लाया था। सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता गुरुजनों और पूरे परिवारजनों को देना चाहता हूं। दूसरी तरफ वही लड़के के पिता ने कहा कि मुझे काफी खुशी मिल रही है कि मेरा होनहार बेटा मेरा नाम रोशन करते हुए मेरा मान सम्मान बढ़ाया जो इसका श्रेय हमारे शुभचिंतकों को जाता है। हमारी उपलब्धि आप लोगों की वजह से है। ये लड़का बहुत होनहार था, शुरू से ही बहुत मेधावी था। ये हमेशा इसका यही जिद था कि हम IIT निकालेंगे और निकाल के दिला दिया। साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन शनिवार को श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित श्री हिंदू सेवाश्रम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सभाजीत मिश्र, पूर्व विभाग अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर UP सिंह पूर्व कुलपति ने किया। शनिवार से शुरू यह कार्यक्रम आगामी 21 जून तक जारी रहेगा जिसमें योग के विविध आयामों को दर्शाया जाएगा। उद्घोषक महोदय बता रहे थे कि संसार के 22 देशों ने योग दिवस को स्वीकार कर लिया और इस तरह से उन्होंने जीवन
आत्मा को स्वीकार कर लिया। योग शास्त्र भारतीय मनीषा का एक अनमोल। दिन भर में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।